बद्रीनाथ की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह भगवान विष्णु के इर्द गिर्द घूमता है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिनकी उत्तराखंड राज्य में स्थित बद्रीनाथ मंदिर में बद्रीनाथ के रूप में पूजा की जाती है। यह मंदिर हिंदू धर्म के चार पवित्र धामों में से एक है, जो इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। बद्रीनाथ की कहानी प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से उनके स्थायी निवास के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि वे बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में रहते हैं। बद्रीनाथ की कहानी का उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में किया गया है। नर और नारायण की तपस्या। प्राचीन काल में नर और नारायण नाम के दो ऋषि इस स्थान पर घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। नर और नारायण ने प्रार्थना की कि भगवान विष्णु भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए हमेशा उस स्थान पर रहें। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी की और वहां भगवान बद्रीनाथ के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। देवी लक्ष्मी बद्री वृक्ष के रूप में। एक अन्य कथा के अनुसार, एक बार जब भगवान विष्णु इस स्थान पर ध्यान कर रहे थे, तब भयंकर बर्फबारी हुई। उन्हें बर्फ से बचाने के लिए देवी लक्ष्मी ने बद्री बेरी के पेड़ का रूप लिया और उन्हें आश्रय प्रदान किया। तभी से इस स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। आदि शंकराचार्य द्वारा पुरुद्धार बद्रीनाथ मंदिर की पुन स्थापना का श्रेय श्रद्धेय हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य को जाता है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस स्थल की खोज की थी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। तब से बद्रीनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है।